नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आए दिन हम सुनते हैं भूत प्रेत के किस्से। अमुक जगह पे भूत का वास है, इस रास्ते पे मत जाइए, यहाँ भूत है, यहाँ प्रेतात्मा है, यहाँ चुड़ैल है। क्या इनका अस्तित्व होता है? क्या आत्मा होती है? जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हर घर में कहीं ना कहीं कुछ लोग कहते हैं कि एक अंधविश्वास है, कुछ लोग कहते हैं कि इनका अस्तित्व होता है और इनसे डर के रहना चाहिए, और कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि नहीं, साइंस के हिसाब से चीज़ें होती ही नहीं हैं। दोस्तों, आपको हकीकत कहे तो तीनों तथ्य अपनी अपनी जगह सच है। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ दोस्तों, मेरे खुद के अनुभव और खुद का जो एक्सपीरियंस रहा है आत्माओं को लेकर के। अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आत्माओं से मैं कई बार संपर्क में आ चुका हूँ, जी हाँ, प्रेत आत्माओं से, भटकती हुई आत्माओं से, एक बार नहीं कई बार, और मेरा पिछले 2 से 2.5 साल का अनुभव केवल और केवल इन भटकती हुई आत्माओं के साथ ही रहा है। मैंने इनसे बातें भी की है। दोस्तों, आत्माओं का अस्तित्व होता है, हाँ, लेकिन इस क्षेत्र में अंधविश्वास भी बहुत है, ये भी एक हकीकत है। और रही बात विज्ञान की दुनिया में, तो आत्माओं का अस्तित्व भी विज्ञान से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, एक बेसिक तथ्य पे मैं आपको एक रोचक चीज बताने की कोशिश करता हूँ। हम क्या है? Who am I? अगर मैं खुद की बात करूँ तो मैं कौन हूँ? हम हमेशा अपना नाम लेते हैं। मैं राजेश हूँ, मैं संतोष हूँ, मैं सुनील हूँ, मैं अभय हूँ। लेकिन ये मैं कौन है? ये संतोष कौन है? ये सुनील कौन है? ये अभय कौन है? दोस्तों, ये तो मेरा नाम है, वो इस शरीर का नाम है। दोस्तों, इसके अंदर की आत्मा जो है, जो आत्मा है जो इस शरीर के अंदर वास करती है, वो नहीं हूँ मैं। दोस्तों, आत्मा इस शरीर में बंधी हुई है, आत्मा का अस्तित्व है, लेकिन जब वो शरीर से छूट जाती है तब वो आत्मा भटकती है। दोस्तों, एनर्जी का एक लॉ है, Q = A × V। जी हाँ, फ्लो जो होता है, आत्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है दोस्तों, ये हकीकत है। लेकिन वो ट्रैवल कैसे करती है, ये किसी ने सोचा ही नहीं होगा। दोस्तों, अगर हमने भगवत गीता का अध्ययन किया हुआ है तो उसमें लिखा हुआ है कि इस संसार में सबसे तेज भ्रमण करने वाली वस्तु क्या है, तो कहा गया मन है। अब वो जो मन है वो आत्मा से जुड़ी हुई है। तो हकीकत में बात यह है कि आत्मा का अस्तित्व होता है, आत्मा के साथ मन जुड़ा हुआ होता है, और यही कारण है कि आत्मा की जो गति होती है वो मन के गति के समान होती है। अब Q = A × V मैंने क्यों कहा? ये शरीर है, इस शरीर का एक वेट है। क्यों? क्यों मतलब क्या है? वेट है। अब क्रॉस सेक्शन एरिया भी चाहिए, क्योंकि मेरा एक वॉल्यूम है, एक साइज है। तो वेलोसिटी क्या होगी ट्रेवलिंग के लिए? Q = Q/A। एक बेसिक फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ दोस्तों। लेकिन अगर इस शरीर का साइज छोटा हो जाए, जैसे कि आत्मा, आत्मा बड़ी छोटी होती है, सूक्ष्म होती है, बिंदी स्वरूप होती है, जो दिखाई भी नहीं देती है, जिसको आप कभी देख नहीं सकते, नंबर एक। नंबर दो, क्रॉस सेक्शन एरिया उसको आवश्यकता ही नहीं है। जी हाँ, वो भी बहुत मिनिमम हो जाता है, तो जो उसकी वेलोसिटी होती है वो इन्फिनिट हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। दोस्तों, जैसे हमारा एरिया होता है, आप अगर दिल्ली में रहते हो कैनॉट प्लेस में, तो आप कहते हो मैं कैनॉट प्लेस में रहता हूँ, ठीक है दोस्तों। अगर आप राजोवी गार्डन में रहते हो तो आप कहते हो मैं राजोवी गार्डन में रहता हूँ। उसी प्रकार से आप अमुक गाँव में रहते हो, जैसे आपके गाँव का नाम है कृष्णपुर, तो आप कहोगे मैं कृष्णपुर में रहता हूँ। लेकिन क्या आपको पता है
जैसे हमारे एरियाज होते हैं उसी प्रकार से, बिल्कुल हूबहू उसी तरह से इन आत्माओं की भी एरिया होते हैं। जी हाँ, जिनसे कहा जाता है डी, हम लोग जिसे कहते हैं गांव, विलेज, मोहल्ला, उसे वे कहते हैं डी। जैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल करते हैं, जैसे हम एक एरिया से दूसरे एरिया ट्रैवल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, अभी दिल्ली में हूँ, तो मैं दिल्ली से लखनऊ ट्रैवल करूँगा, और लखनऊ में भी हजरतगंज, जो स्पेशल एरिया, स्पेसिफिक एरिया जहाँ मैं रहता हूँ, मैं वहाँ से, यहाँ से मैं कैनॉट प्लेस से हजरतगंज जा रहा हूँ, तो उसी प्रकार से हजरतगंज नाम का एक डी होगा, और वही एक डी यहाँ पे होगा कैनॉट प्लेस। जी हाँ दोस्तों, उनके भी डी होते हैं, और डी के नाम भी हमारे एरिया के नाम से लिंक्ड होते हैं, और उनकी जो ट्रैवलिंग होती है वो भी डी टू डी होती है। अब वो भी स्पीड इतनी फास्ट होती है दोस्तों, आप इमेजिन नहीं कर सकते। अगर मैं अभी यहाँ बैठा हूँ और कोई आत्मा हजरतगंज लखनऊ में है, सेकंड के कुछ हिस्सों में वो वहाँ से यहाँ ट्रैवल कर जाएगी, आपको एहसास भी नहीं होगा। मैंने आत्माओं के साथ कई ऐसे अनुभव फेस किए हैं, जैसे कि किसी के शरीर पे कंट्रोल कर लेना, उनसे मैंने बातें की है, वे दिखाई नहीं देते दोस्तों, आत्माएं दिख नहीं सकती क्योंकि उनका शरीर नहीं है, वे बड़े सूक्ष्म हैं। लेकिन हाँ, जिस तरह से हम अनुभूति करते हैं वही अनुभूति उनके पास भी होती है। अब आत्माएं दिक्कत क्यों देती है, इसके पीछे एक तथ्य है दोस्तों, एक कारण है। जैसे हमें और आपको कोई ना कोई लालसा होती है, हमें कोई चीज पसंद है खाने में, बर्गर, पिज्ज़ा, कोई जूस पसंद है खाने में, आम का अचार पसंद है, तो ये पसंद किसकी हुई दोस्तों? हालांकि हम यह स्वाद इस शरीर के द्वारा ले रहे, लेकिन ये पसंद इस आत्मा की हुई जो इसके अंदर वास करती है। अगर कल के मैंने शरीर छोड़ दिया तो क्या वो पसंद चली जाएगी? जी नहीं दोस्तों, उस आत्मा की पसंद सदैव रहेगी। अगर वो आत्मा भटकती है दोस्तों, तब वह पसंद भी उसके साथ चलेगी, और जहां उसको पसंद की चीज दिखेगी वहां वो आत्मा उसका टेस्ट लेना चाहेगी, अर्थात मेरी आत्मा। अब वो मेरे आत्मा के कंट्रोल पे डिपेंड करता है कि सही करे या गलत करे। तब आत्मा क्या करती है आपको पता है दोस्तों? प्रवेश करती है। इसमें दो तथ्य दोस्तों, एक होता है कि आत्मा अपने इंद्रियों के वश के कारण, अपने स्वार्थ के कारण दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, या अपने जो चाह है उसको पूरा करने के लिए प्रवेश करती है। जैसे कुछ आत्माओं में काम वासना हावी होता है, कुछ आत्माओं में कहीं घूमने फिरने की चाह होती है, कुछ आत्माओं में खाने पीने की विशेष लालसा होती है, तो उस प्रकार से वो प्रवेश करेगी। और दूसरा तरीका होता है, तांत्रिकों द्वारा वश में करके उनसे अपना कार्य सिद्धि कराया जाता है दोस्तों, या फिर उनको किसी शरीर में भेज करके उनका अहित करना, या अपने कोई स्वार्थ को पूरा करने की कोशिश करना। जी हाँ दोस्तों, ये सब भी तांत्रिक करते हैं। दोस्तों, आत्मा हमेशा डी टू डी ट्रेवल ही करती है, और कोई तांत्रिक भी अगर देखता है तो आपसे हमेशा यही पूछेगा, अगर वो जानकार तांत्रिक है, कि आपका डी कौन सा है, आप कहाँ बिलोंग करते हो। जैसे आपके एरिया का एक ऑपरेटर होता है या आपके एरिया का एक मैप होता है, वैसे ही हर डी का एक देवहरीन होती है। जी हाँ दोस्तों, एक रानी होती है जिसके कंट्रोल में वो डी होता है, अर्थात वो एरिया होता है, और जब कोई तांत्रिक देखता भी है तब वो क्या करता है, उस डी के देवहवीन को या उस डी के जो मेन हेड है उसे सामने लाता है, और उससे इंटरेक्ट करता है, और उससे पता लगाता है कि क्या आपके एरिया में जो आत्माएं हैं उनमें कोई नई आत्मा ने प्रवेश किया है। जी हाँ, अब वो किया है तो इस समय वो कहाँ है, यह तरीका होता है उनका पता लगाने का दोस्तों, ये मेथड होती है। खैर, ये अलग टॉपिक हो जाएगा दोस्तों, अभी हम केवल आत्माओं पे बात कर रहे हैं। और आत्मा जब डी में होती है तब
भी वो वही शक्तिशाली होती है जैसे वो अपने ओरिजिनल इलाके में होती है। जैसे एक आत्मा है जो आज कैनॉट प्लेस की है, मतलब वो आत्मा मृत्यु के पहले यहीं रहती थी, उसका यही डी था, तो यहीं पे ही विचरण कर रही है। लेकिन अगर उसे हजरतगंज जाना पड़ा तो वहाँ भी शक्तिशाली होती है, और यही नहीं इनका नेटवर्क भी होता है दोस्तों। जैसे हम लोग के संबंध होते हैं एक दूसरे के साथ, वैसे इन आत्माओं के भी आपस में नेटवर्क बन जाते हैं। कई बार ये दूसरी आत्माओं को, दूसरी भटकती हुई आत्माओं के साथ दोस्ती करके इनको साथ लेके चलते हैं, आओ हम लोग यहाँ घूम के आते हैं। जैसे हम बोलते चले यार पैक लगाते, दोस्तों को कहते हैं चले यार पार्टी करके आते हैं, खाना खा के आते हैं, वही हाल इनका होता है दोस्तों। और ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेट हमसे कहीं ज़्यादा अच्छी तरह से करते हैं दोस्तों। दोस्तों आत्माओं का अस्तित्व होता है, मेरा पर्सनल अनुभव है। आत्मा के अस्तित्व पे लेके मैं और भी कई खुलासे करूँगा, जैसे कि मेरा आत्माओं से सामना कब कब कैसे कैसे हुआ, मैंने उनसे कब कब क्या क्या बात की, उसकी कुछ रिकॉर्डिंग भी पड़ी है मेरे पास, मैं उसे भी सामने ला के रखूँगा। दोस्तों उन्होंने मुझ पर हमले किए, कब कब किए, मैं कैसे कैसे बचा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और यही नहीं, ये जो आत्माएं थी कितनी खतरनाक थी, और उनके लेवल ऑफ अटैक किस हद तक था। आज मैं जीवित हूँ ये उस परमात्मा की शक्ति है, और आज भी मैं यही कहता हूँ, मैंने आज तक उन आत्माओं से कभी बुरा भला बात नहीं किया। आज भी मैं उन्हें बहुत ही स्नेह के साथ देखता हूँ, क्योंकि वे आत्माएं भी बड़ी दुखी, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, उनके कर्मों के कुछ ऐसे प्रारब्ध थे, लेकिन वे आत्माएं आज भी दुखी हैं। आत्माओं का अस्तित्व है दोस्तों, जो भटक रही है वे बड़े ही दुख में होते हैं। अगर कभी भी आप किसी ऐसी आत्माओं के चक्कर में पड़ जाते हैं तो प्लीज़ उनके साथ अनर्गल बातें मत कीजिएगा, उनसे डरिएगा भी मत। डर से आप आत्माओं से कभी जीत नहीं सकते, अगर आप डर गए तो वो आप पे हावी हो जाएंगे। दूसरी चीज़ आपको ध्यान देना है दोस्तों, अगर भटकती हुई आत्माओं से आपका सामना होता है तो आध्यात्म की शक्ति को अपनाइए। कुछ मंत्र है जिसका मैंने अनुभव किया है पिछले 2 सालों के दौरान, वो बड़े ही कारगर सिद्ध होते हैं दोस्तों ऐसे समय पे। एक मंत्र तो इतना शक्तिशाली है कि अगर आत्मा ने शरीर पे कंट्रोल कर लिया है, अब वो मंत्र उसके कान में अगर डल जाए, उस शरीर के कान में, तो वो आत्मा वहाँ से निकल भागेगी। इसका अनुभव मैंने कई बार किया है, एक बार नहीं कई बार। शक्तिशाली से शक्तिशाली आत्मा भी उसके सामने टिकती नहीं, उस मंत्र के सामने दोस्तों। यही नहीं, मैंने ये भी अनुभव किया है कि आत्माएं बड़ी जिद्दी होती है, इनको आप हट से बहुत मुश्किल निकाल पाना दोस्तों। और अगर ये कॉम्बिनेशन में आ गई, एक साथ कई आत्माएं आ गई, तो इन सब के अपने अपने इफेक्ट और साइड इफेक्ट होते हैं। अर्थात हर आत्मा की अपनी एक शक्ति होती है, और हर आत्मा के अपने ड्रॉबैक्स होते हैं, ये अपनी अपनी कमियों को कंट्रोल करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलके और पावरफुल हो जाते हैं। एक बात मैं और बताना चाहूँगा दोस्तों, भटकती हुई आत्माएं कभी भी आपको मृत्यु नहीं दे सकती है, बशर्ते आपको आप पे खुद पे कंट्रोल होना चाहिए। वे आपको तकलीफ देंगी, इस हद तक तकलीफ देंगी कि आपके मन में भावना आ जाएगी कि मैं मर जाऊं, मैं सुसाइड कर लूं। जी हाँ दोस्तों, इस हद तक। और हाँ, अगर आप डरे, अगर आपने अपना कंट्रोल खोया, तभी वो आपके शरीर पे कंट्रोल कर पाएगी, और उस केस में वो कुछ भी कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये संभव है। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं पिछले 2 साल के दौरान, मैं काफी चमत्कारी लोगों से मिला हूँ। ऐसे ऐसे लोग जो घर बैठे बता दें कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, आपके घर में क्या चल रहा है, आपके शरीर का पूरा MRI कर लेंगे, वेदर इट इज अ हेल्थ प्रॉब्लम और अ प्रॉब्लम विद अ नेगेटिव एनर्जी, अर्थात भूत प्रेत का प्रॉब्लम हो या फिर कोई शारीरिक बीमारी हो, वो भी बता देंगे। मैंने यही पाया कि प्रेम से ही संभव इन आत्माओं को सही रास्ते पे लाना। दोस्तों इस कड़ी में मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, भटकती हुई आत्माएं आमतौर पर अपने घर पे ही या घर के लोगों को ही परेशान करती है, या फिर परिवार के वो लोग जिससे उन्हें ईर्ष्या होती है या द्वेष होता है। जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे कारण है
क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में या उनके माइंड में वो चीज़ें पूरी रिकॉल होती है कि पास्ट में उनके साथ क्या क्या घटनाएं हुई हैं। तो किसी के आकस्मिक मृत्यु होती है अगर आपके परिवार में और आपके यहाँ सडनली कोई चीज़ अचानक अलग सा होने लगता है, लाइफ में कुछ बदलाव आ गए हो, कोई बीमार हो गया, अचानक से कुछ अनइवन होने लगे, धंधे पानी में लॉस होने लगे, तो समझ लो कि मामला कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी या भूत प्रेत की तरफ भी इशारा कर रहा है। हाँ, ये कर्मों के प्रभाव भी होते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं कर्म भी जुड़े होते हैं, लेकिन हाँ, कर्म में भी किसी ना किसी बहाने से ही आते हैं। दोस्तों, आत्मा बड़ी ही शक्तिशाली होती है, बड़ी शक्तिशाली होती क्योंकि उनके पास शरीर नहीं होता है, लेकिन इतनी भी शक्तिशाली नहीं होती है कि वो आपको खत्म कर सके या आपको समाप्त कर सके। आपको उस समय आपके आत्मा के लेवल को ऊपर लेके जाना होता है। एक लॉ है एनर्जी का दोस्तों, एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर एल्टीट्यूड टू लोअर एल्टीट्यूड। जी हाँ दोस्तों, अगर पानी इस ऊंचाई पे है तभी वो नीचे आ सकता है पानी दोस्तों, अगर पानी नीचे है तो नीचे से पानी ऊपर ले जाने के लिए मुझे एक्सटर्नल फोर्स देना होगा। ये नियम है संसार का, कोई भी चीज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे आ सकती है। अगर हमारे आत्मा की ताकत शक्तिशाली है तो कोई भी एक्सटर्नल आत्मा हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकती दोस्तों, ये ध्यान रखना, स्मरण करना। यही नहीं, अगर उसने प्रवेश कर भी दिया तो वो टिक नहीं पाएगी, तुरंत उसे भागना पड़ेगा, क्योंकि हम शक्तिशाली हैं नंबर एक। हाँ, अगर कोई चीज विधि द्वारा की जाए उसमें चीजें संभव है, लेकिन उसकी भी लिमिट है। वो आत्मा आपको एक्सटर्नल तकलीफ देगी, शारीरिक कुछ तकलीफ एक्सटर्नल दे सकती है, लेकिन फिर भी वो आपको शरीर पे कंट्रोल नहीं कर पाएगी। इसका भी अनुभव मैंने किया हुआ है दोस्तों। साथ ही साथ वो आत्मा आपको बिजनेस में भी लॉस दे सकती है, लेकिन आपके शरीर पे कंट्रोल नहीं कर पाएगी। इसके भी उपाय है दोस्तों, इसके भी उपाय है, इसके भी उपाय है, लेकिन आपको खुद ही इसके उपाय करने होंगे। जो तांत्रिक या जो ओझा लोग या जो बड़े बड़े महात्मा लोग इन चीजों का उपाय करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं साधना द्वारा इनको सिद्ध करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं देवी देवताओं को या परमात्मा की शक्ति का ही प्रयोग करते हैं दोस्तों। नथिंग इज मिरेकल दोस्तों, ये सब साइंस है, परमात्मा से शक्ति लेना भी साइंस है। दिक्कत ये हो गई है कि परमात्मा बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे दोस्तों, अब हम बहुत ही लो एल्टीट्यूड पे आ चुके हैं। जैसे ही उससे हमें शक्ति मिलती है, हमारा एल्टीट्यूड या हमारी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है, और जब एनर्जी लेवल बढ़ जाती है हमारी तो हम जो चाहेंगे वो संभव है, भले बिजनेस में हो, भले हमारे कार्य पद्धति में हो, भले हमारे व्यवहारिक जीवन में हो, या भले हमारे फैमिली के जो भी इश्यूज है, प्रॉब्लम है उसमें हो। दोस्तों, अगर आप में से कोई भी इस तरह के भूत बाधा या प्रेत बाधाओं से जूझ रहे होंगे तो दोस्तों मैं आपको आने वाले सीरीज में, आत्मा के अस्तित्व की सीरीज में, और कई रास्ते, कई सलाह दूंगा, आप उन्हें अपनाइएगा। अगर फिर भी आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब या परेशान हैं तो आप नीचे वीडियो के नीचे कमेंट में आपके इश्यूज और कंसर्न डाल सकते हैं दोस्तों। फिर से मैं आपको बता दूं, ये झूठ नहीं है, आत्मा का अस्तित्व है। सॉरी, पिछले 2 से 2.5 साल का मेरा अनुभव, मेरा एक्सपीरियंस, मैं खुद एक इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन, लेकिन सिचुएशन मुझे कुछ ऐसी जगह ले गई कि 2.5 साल मुझे केवल और केवल आत्मा और परमात्मा के बारे में जानने भी विवश होना पड़ा। उन आत्मा की लड़ाई में, उस भूत प्रेत की लड़ाई ने मुझे बहुत ज्ञान दिया और मेरे अध्यात्म के बल को और शक्तिशाली बनाया। कभी कभी मैं कमजोर भी पड़ा दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी लगा कि अब क्या, मैं पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहा था, लेकिन अंत गति सो मति, एक कहावत है। आज मैं इतना ही कह सकता हूँ दोस्तों, आज भी कुछ हद तक
उन आत्माओं से लड़ाई जारी है, क्योंकि भटकती हुई एक आत्मा ही नहीं है, आत्माओं का एक समूह है। क्योंकि जो प्लान द्वारा मेरे पीछे या मेरे फैमिली के पीछे, मेरे लोगों के पीछे भेजा गया था, और उनसे लड़ाई इस हद तक खतरनाक थी कि जब मैं इसमें कूदा आज के 2 साल पहले अपने करियर को दांव पे लगा के, तब मुझे यहाँ तक पता चला गया था कि इनसे जीतना लगभग असंभव है। ये केवल और केवल जीवन लीला समाप्त करने के लिए आई है। लेकिन हाँ, तब मैंने दिल से एक ही बात कही, अंत तक लड़ूंगा। और दोस्तों, उस खोज में या उस रास्ते पर जब मैं निकला, तब मेरा उनसे संपर्क हुआ, उनसे इंटरेक्शन हुआ, उनसे भावनात्मक रिश्ता भी जुड़ा। मैंने पाया वो भी दुखी है, वो भी स्ट्रेस में है, उन्हें बस मजबूरी वश करना पड़ रहा है, कुछ एक्सटर्नल मजबूरी जो दुश्मन या मेरे दुश्मन या तांत्रिक लोग उसे फोर्स करके भेज रहे हैं, और कुछ उनकी खुद की मजबूरी, क्योंकि वो अपने आसक्तियों के द्वारा विवश है। दोस्तों, इस संसार में जो भी चीज़ें हैं सब परमात्मा की बनाई हुई है। हर वस्तु, ये हर तत्व, हम भी 5 एलिमेंट से बने हुए हैं दोस्तों, 5 एलिमेंट्स हम कहते हैं, और सब सूक्ष्म से सूक्ष्म है दोस्तों, सब उसे मिलना है। और ये ऊर्जा है, ऊर्जा का कोई विनाश नहीं हो सकता दोस्तों, बस आप ऊर्जा को दिशा दे सकते हो। तो हमें भी कुछ नहीं करना दोस्तों, अगर हम भी ऐसे प्रॉब्लम से ग्रसित है तो हमें इन आत्माओं को सही दिशा देनी है, इन्हें शांति देनी है, यही एक रास्ता है दोस्तों। तो दोस्तों, आत्मा के अस्तित्व के पहले पड़ाव पर आज मैंने केवल ये बताने की कोशिश की है दोस्तों कि आत्मा का अस्तित्व है, और मैं अपने अनुभव को डिटेल में शेयर करूँगा, कब कब क्या क्या कैसे कैसे हुआ, क्या क्या चीज़ें मैंने फील की, और उसका रिजल्टेंट आउटपुट क्या निकला। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके जो भी अनुभव होंगे, जो भी कंसर्न होंगे, जो भी इश्यूज होंगे, वह नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। दोस्तों, आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए होगा मेरी तरफ से, जो जिस लाइक भी मैं हेल्प कर सकूँ, मैं आपको अवश्य हेल्प करूँगा दोस्तों। साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू।